झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री अफजुल हसन की मुश्किल अब बढ़ने वाली है। 27 अप्रैल को गढ़वा में आयोजित इफ्तार पार्टी में उन्होंने एक विवादित बयान दिया था, जिसके बाद से ही राजनीति शुरू हो गई है। जमशेदपुर में अफजुल हसन पर प्राथमिकी दर्ज होने के बाद गढ़वा में भी मंत्री अफजुल हसन पर प्राथमिकी दर्ज करने के लिए भाजपा के नेताओं ने सदर थाना आवेदन दिया है। भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष ने मंत्री के ऊपर यह प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है। भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष ने कहा कि मंत्री ने इफ्तार कार्यक्रम में दौरान एक विवादित बयान दिया था, जिसमें 80% और 20% की बात कह रहे हैं। इससे हम लोगों को आहत पहुंची है। 27 तारीख को जनरल हाई स्कूल के मैदान में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था हिंदू मुस्लिम समन्वय समिति के द्वारा। इसी में कल्याण मंत्री माननीय हिजबुल हसन अंसारी जी के द्वारा भड़काऊ भाषण दिया गया, हिंदू समाज को बहुत आहत पहुंचा है। इसी को देखते हुए हम भाजपा नगर मंडल गढ़वा की ओर से उन पर गढ़वा थाना में एक आवेदन दिए हैं उन पर FIR करने के लिए, और हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि अविलंब उन पर कार्रवाई करके उन्हें जेल की सलाखों के अंदर डाला जाए, और जो यहाँ सौहार्द बना हुआ है वो सौहार्द कायम रहे, और व्यक्ति विशेष को सौहार्द बिगाड़ने का काम मंत्री जी के द्वारा किया गया। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।